हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ छाया और मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम आलू की बहुत ही टेस्टी सब्जी बनाएंगे। बिना पनीर, बिना काजू, बिना क्रीम, बिना बटर डाले भी आलू की आप इतनी टेस्टी सब्जी आसानी से घर पर बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम लेंगे 12 से 15 छोटे साइज़ के उबले हुए आलू। आलू हमें छोटे साइज़ के ही लेना है, जो हम दम आलू के लिए यूज़ करते हैं। अब हम आलू में फोक की सहायता से छेद कर देंगे। तो सभी आलू में हम इसी प्रकार से छेद कर कर तैयार करेंगे। तो सभी आलू में हमने छेद कर दिए हैं। अब हम पेन में 3 से 4 चम्मच तेल डालेंगे। तेल को गर्म होने देंगे। तेल के गर्म होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे आधा कप प्याज के पेटल्स और 2 मिनट प्याज को फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमें ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना है। तो अब हम प्याज को निकाल लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को हमने क्यूब्स में काट कर लिया है। शिमला मिर्च को भी 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। शिमला मिर्च को भी हमने फ्राई कर लिया है तो इसे भी अब हम निकाल लेंगे। और सेम पैन में अब हम आलू डालेंगे। मीडियम फ्लेम पर आलू को लगातार चलाते हुए गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से घर पर बिना पनीर के आलू से भी आप कढ़ाई पनीर जैसी सब्जी बना सकते हैं। तो आलू में अच्छा सा गोल्डन कलर आने के बाद आलू को भी अब हम निकाल लेंगे। सेम पैन में अब हम डालेंगे 1 तेज़पत्ता, 1 टुकड़ा दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 1 चक्री फूल, 2 लौंग, 4 से 5 काली मिर्च। तो जो मसाला आपके पास नहीं है आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। साथ में 1 टीस्पून जीरा डालेंगे और कुछ सेकंड तक इसे फ्राई कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज़ का प्याज, जिसे मैंने ग्रेटर की सहायता से ग्रेट कर कर लिया है। प्याज को अब हम 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। तो 2 से 3 मिनट प्याज को भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 मिनट इसे और भून लेंगे। और अब हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे। हम लेंगे 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। सभी मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 3 मीडियम साइज़ के टमाटर का पेस्ट। साथ में स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें 1/2 कप पानी डालेंगे। सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम इसे ढककर 8 से 10 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने देंगे। बीच में हम इसे 1 से 2 बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। आठ से 10 मिनट मसाले को हमने ढककर पका लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें फ्राई किए हुए आलू डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक ढककर पकने देंगे। 2 से 3 मिनट बाद इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें फ्राई किए हुए शिमला मिर्च और प्याज डालेंगे। साथ में डालेंगे 4 से 5 चम्मच दूध की फ्रेश मलाई, जिसे मैंने फेट कर लिया है। साथ में थोड़ा सा पानी डालेंगे और सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए और ढककर पकने देंगे। 2 से 3 मिनट बाद सब्जी बनकर तैयार है। तो अब हम इसमें धनिया पत्ती डालेंगे और अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकालेंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही स्वादिष्ट आलू की सब्जी बनकर तैयार है।
इस सब्जी की रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।